नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कमल अरोड़ा। सो आज मैं आया हूँ कोलकाता, कौन सी जगह है, बैरकपुर में, और वेस्ट बंगाल विजन क्लब का 13 अप्रैल को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, जहाँ पे हमने वर्ल्ड विजन डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करा। और यहाँ पे हम आए हुए हैं बैरकपुर में चंदू दास, जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस में जॉब करते हैं, और ये सारी उनकी पीछे टीम है जिनके बारे में चंदू दास जी आपको खुद बताएंगे। और 15 साल में ये जीते हुए इनकी मेहनत और इनाम है। और इसके बाद में मैं आपको इनके 10-12 कबूतर जो है मेन कबूतर उनका शौक कराऊंगा। तो आप बताएं कि आपने कितने टाइम में ये नाम जीते और वेस्ट बंगाल विजन क्लब का कैसा शौक हो रहा है, और ये जितने भी खिलाड़ी आपके साथ पीछे खड़े हैं ये आपकी टीम का हिस्सा है, और इनके नाम बोलो। नमस्कार, मैं चंदू दास हूँ बैरकपुर वेस्ट बंगाल से। मैं एक्चुअली शौक 30 साल से कर रहा हूँ, और मेट्रा जी जो कबूतर है अभी मैं 18 साल से रख रहा हूँ, और ये कबूतर 15 साल से मैं खुद, और पहले मैं उड़ा था, अभी सर्विस की वजह से नहीं उड़ा सक रहा हूँ, और मेरा भाई लोग जो इच्छा है ये सब भाई लोग मिल के मैं एक साथ शौक करता हूँ, और सब मिल के कबूतर के लिए एक प्राइज़ जीता है, हर कोई क्लब में ये लोग प्राइज़ जीता है। तो दोस्तों ट्रॉफियों के ढेर लगे हुए हैं, इसमें से कोई एक खास ट्रॉफी आप जो बताना चाहें जिसके लिए आपने बहुत मुशक्कत और बहुत मेहनत से आपको हासिल की वो बताएं। इसमें सबसे मेरा गौरव का बात है, मेरा जो भाई है बाबू और हमें, हम 2011 में गर्मी के टूर्नामेंट में आगरपाड़ा में उड़ाया था, बाबू दास गर्मी का टूर्नामेंट में आगरपाड़ा में कबूतर उड़ाया था, जो फर्स्ट मई में उड़ाया था हम लोग। वो टाइम में हम 13 घंटा करके 4 कबूतर और 1 कबूतर 8 घंटा 9 घंटे शायद उड़ा था, बच्चा था उसमें 3 दो कल का बारी 13 घंटे 4 कबूतर और 12 घंटा 47 मिनट 13 घंटे से कुछ कम है, 4 कबूतर और बंगला में लिखा हुआ है तो शायद, और 1 कबूतर 8 घंटा 48 मिनट उड़ाया था, उड़ा के हम लोग फर्स्ट हुआ था आगरपाड़ा में, और ये मेरा भाई दोस्त इसके जीत और मेहनत के बाद एक कबूतर उड़ा के जीता था। इसकी ट्रॉफी कहाँ है, ट्रॉफी भी है, इसका कैश रुपया दिया था, ट्रॉफी नहीं दिया था, कैश रुपया दिया था। सो ये है चंदू दास जी की छत, जो कि मैं बैरकपुरा में आया हुआ हूँ, और थोड़ा यहाँ नाम का चक्कर है तो मेरे को थोड़ी सी सही से नहीं बोलने आ रहे, लेकिन बहुत ही अच्छा शौक है। आइए मैं आपको इनके कबूतरों से रूबरू कराता हूँ। तो दोस्तों एक बार कबूतर दिखाने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरे साथ यहाँ पे उस्ताद हकीम विश्वास मोदी से आए हुए हैं, जिनका ये मेरे दोस्त हैं, उनकी लक्षण का आपको शौक कराने वाला हूँ, आगे हैं। दोस्तों मैं हूँ मिस्टर दास के लॉफ्ट के अंदर इस तक, तो मैंने 10-12 कबूतर छाट के जो है ना बहुत बढ़िया वो अलग से निकलवाए हैं, जिनका मैं आपको शौक करवाऊंगा, और मैं दास जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बेहतरीन कबूतरों का शौक आपको कराएं, सर बताएं। एक्चुअली मैं ज़्यादा कलंका का शौक करता हूँ, मेरा जो कलंका मेरा सबसे अच्छा लगता है, और इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, मेरा कलंका कबूतर है, इसका बच्चा ऐसा गर्मी में 10 घंटा के ऊपर में ऐसे ही उठता है। अच्छा, ठीक है, शीत में ये तो उतरने का उतना गर्मी में इतना गर्मी में तो उतर जाता है, लेकिन शीत में उतना चांस बहुत, इनके बच्चे सारे इसी में अंदर, और इधर भी मेरा जो भाई लोग है उसका पास भी है, मेरा पास भी इसका बच्चा है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको इसके चेहरे से क्लिक करना, उस पर फोकस करो, तो ये है इनका कलंका, और आपके कौन से स्पेशल बर्ड है वो आप दिखाएं। मेरा टाइप का खास में हर टाइप का कलंका है, मतलब कलंका का ही मैं ज़्यादा शौकीन हूँ। ये बहुत शानदार कबूतर है,
ये ट्रेन को भी अभी आना था। शोर मचा रही है ट्रेन। पंजे बहुत अच्छे हैं दोस्तों इसके। इसका बेटा भी है। अच्छा शाम तक हम उगा इसका बेटा, वो भरी देखो उसको निकाला। ये तो आपकी ट्रॉफियां गवाएं जो आपने कबूतर दिखा रहे हैं, तो वाकई में उड़ते भी होंगे। ये कबूतर मुझे बहुत पसंद आया था पर्सनली। बहुत ही अच्छा कबूतर है, बहुत मुलायम और बहुत ही अच्छी हड्डी का कबूतर है। इतना हाथ नहीं हिलाना दोस्त, आराम आराम से झटके से नहीं। ये बंगाल का जो अरशद लाइन का कबूतर है वो फेमस, ये अरशद लाइन का कबूतर है। ये बहुत पसंद आया मुझे। इसका बच्चा अभी एक कल का बच्चा है, गर्मी में धूप में 6-7 घंटा जा रहा है, मेरा भाई उड़ा रहा है। और इसका जो मादिन है वो मादिन भी मेरा खुद का छाद में 5-6 प्राइस में दिया है हमको इसकी मादिन ने। हाँ खुद उड़ी हुई है। हाँ खुद मेरा घर में। इसका पर बहुत अच्छा है। इसका बच्चा का आँख पूरा निकला हुआ आता है, मतलब बाहर शीशे बाहर रहते हैं, पूरा आँख पूरा बड़ा बड़ा निकला हुआ रहता है बच्चा। सो एक बार मैं आपको फिर इसकी आँखों से रूबरू करा देता हूँ। ये मेरा घर का फेमस हारूबुदू लाइन इसको बोलता है। एक वो धासु दिखाओ, धासु। हाँ धासु भी दिखा रहे हैं हम। ये हारूबुदू बहुत फेमस है, गर्मी में बहुत जैसे अंदर में घुस घुस के उड़ता है। और आगे जो हम गर्मी का रिजल्ट दिखाया है इसमें इसका दो बेटी मतलब उड़ा था इस लाइन का, 13 घंटा करके 12 घंटा 47 करके उड़ा है। वेरी गुड। शीत में भी उड़ता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छा उड़ता है, एकदम अंदर ऊपर में घुस के उड़ता है। इसके दुम बहुत अच्छे है कबूतर की, बहुत अच्छा कबूतर है। और हरा सबसे खरा, मैं शुरू से कहता हूँ प्योर हारूगुदू है ये। हारूगुदू आपके यहाँ हारूगुदू बोलते हैं? यहाँ बंगाल में इसको हारूगुदू बोलता है। तो अभी रेयर ब्रीड है, बहुत आदमी घूम रहा है लेकिन अभी। धासु दिखाओ, धासु। ये कबूतर दोस्तों इसका नाम है धासु, और थोड़ा सा पैर से हैंडीकैप है लेकिन वाकई में इस पूरे लॉफ्ट के अंदर ये मेरी पसंद का कबूतर है। मुझे बहुत पसंद आया ये, मैं ऐसा कबूतर नहीं छोड़ता मिल जाए तो। पहले थे मेरे पास एक दो। बहुत छोटे बदन का, बहुत खड़ी हड्डी का कबूतर है, बहुत ही मुलायम बदन का ये कबूतर है। दूसरी आँख भी इसको दिखा देते हैं आपको। इसका सेम पेयर मादी भी है। अच्छा सेम पेयर मादी है इसकी। दुबाज मेरा घर का, आप कह रहे थे फेमस है, फेवरेट फेमस है, बहुत उड़ता है। और मेरे पास में 5 जोड़ा धारी है इसका, मेरा भाई लोकल पास दिया हुआ है, मेरे पास अभी 2 जोड़ा है। तो आपने कबूतर पूरी टीम में बांटा हुआ है? पूरा बांटा है लेकिन मुझे टाइम कम मिलता है इसीलिए सबका, मैं सबको लेके सब करता हूँ। बहुत बढ़िया। मछिया का उधर है ये, तो ये और धासु दोनों मुझे बहुत प्यारे लगे। ये इसका बच्चा क्या उड़ने का टाइम है, दूसरे कबूतर को खींच के रखता है क्योंकि इसके में वजन ही नहीं है कबूतर में, ये अपने बच्चे भी उड़ाएगा। ये दूसरे कबूतर को मैं टूर्नामेंट के टाइम में खींच के रखता है दूसरे कबूतर को।
क्यूड़ो खुद नहीं बैठेगा, वो कुश्ती को बैठने भी नहीं देगा इसका बच्चा। और बहुत अच्छा रिजल्ट है गर्मी और शीत में दोनों में बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये तो वाकई में, और ये रंग जो है ना ये कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया आप देखना ये रंग उड़ता है। हाँ ये भी कबूतर बहुत अच्छा है कबूतरा, ये भी यहीं का ब्रीड है ऐसा लगता है जैसे आंध्रा का हो। नहीं यहीं का है, हम तो ऐसे लिया, हो सकता है पीछे आंध्रा से आया हो सकता है। सारे आपने गोल कैच कर रखे हैं बिल्कुल, उनको परंत अगर रखें तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, मेरी आपसे गुजारिश है। आंध्रा का एक कबूतर है, एक वो जीरा कबूतर दिखाए, वो खड़ी हड्डी का जीरा, ये आंध्रा का है। ये आंध्रा का है, हम किया था आंध्रा उस टाइम में, आंध्रा से लाया। कितने का लाए थे? तो 25,000 गया था इसका, एक का 90,000, ज़्यादा दाम मांगा था। ओ माय गॉड, किससे आया ये? इतना महंगा माल नहीं है, इसका लाल बच्चा आता है, लाल मुंडी बच्चा आता है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसका बच्चा, ललसरा बोलते हैं, ललसरा उधर में शायद इसको चमड़ा या चमड़ामुखी बोलता है। और एक बार दोस्तों मैं आपको इनका अंदर का सेटअप दिखा देता हूँ, उड़ाने वाले कबूतरों का पसीने बहुत आ रहे हैं, गर्मी बहुत है भाई। तो ये है दोस्तों इनके, इन्हीं ब्रीडों की नस्ल के बच्चे, इन्होंने हर खाना यहाँ पे अलग अलग बनाया हुआ है, और उड़ाने के लिए एक एक कबूतर के लिए, अगर इसमें से कोई बच्चा मुझे एक ये मारी ने बहुत गजब की। ये किसकी दासु की मादिन है? हाँ हाँ ये इसका बच्चे का बहुत रिजल्ट है, ये तो कबूतर ही लाजवाब है। आपने मादिन भी सेम लगा दी, उसकी बेटी तो नहीं है? बेटी है, उसका भाई का घर में उड़ रहा है। मतलब मैं ज़्यादा कबूतर नहीं रखता हूँ, मतलब इधर से वो लोग। ये मादिन कहाँ से आई? ये मादिन मेरा पास में बहुत पुराना है, मतलब ये मादिन मेरा पास है 10 साल हो गया शायद, मादिन भी एक टाइम उड़ा था मेरा घर में। सो दोस्तों ये था, देखना देखिए इसका बच्चा बहुत रहता है, गर्मी में बहुत उड़ता है सुबह से शाम तक, बहुत लाजवाब है, ये पहले नहीं दिखाया ना, सुबह से शाम तक इसका बच्चा उड़ता है, बिठाना घर में इसको मुश्किल हो जाता है, इसका बहुत उड़ता है गर्मी में। भाई मोन्टू उड़ाया है उसका बच्चा, दो एक बच्चा तो निकल गया शाम तक, उसको उतर नहीं सका एक पर दो पर का बच्चा। सो दोस्तों ये था मिस्टर दास का शॉप, उनकी छत, उनके कबूतरों का, इसके बाद आपको कलकत्ता की और छतों पे लेके जाएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, इसी तरीके प्यार करते रहिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।